अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती चौथी जमात की दर्सी किताब से मौलवी इस्माइल मेरिठी की लिखी हुई एक बहुत ही दिलचस्प नज्म देखेंगे, पानी की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस नज्म को हम पढ़ेंगे, इसके बाद इस नज्म का मतलब समझेंगे और आखिर में इसे तरन्नुम के साथ गाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पानी की हकीकत। दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरह खुल जाए तो फौरन हवा है। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। हवा में मिलके गायब हो नजर से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। इसी के दम से दुनिया में तरी है, इसी की चाह से खेती हरी है। इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी से ताजा दम होते हैं हैवा। प्यारे बच्चों, आइए अब देखते हैं इस नज्म का मतलब। प्यारे बच्चों, इस नज्म में शायर ने पानी की हकीकत बयान की है। शायर ने बताया है कि पानी क्या है, वो किस तरह वजूद में आता है और उसके कितने रूप हैं। शायर कहता है कि जो दाना यानी अक्लमंद हो वही बता सकता है कि पानी क्या है। दरअसल पानी दो हवाओं यानी दो गैसों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब इसकी गिरह खुल जाती है यानी पानी को साइंसी अमल के जरिए जब तोड़ा जाता है तो वो अलग अलग गैसों में बंट जाता है। पानी जब माय हालत में होता है तो वो किसी भी शक्ल के बर्तन में रखा जा सकता है, यानी पानी की ये खूबी है कि वह सांचे में ढल जाता है। जब कोई चीज़ वजन में हल्की होती है तो पानी की सतह पर तैरती है, और जो चीज़ वजन में भारी हो तो पानी के अंदर डूब जाती है। और जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप में तब्दील हो जाता है, और जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो बर्फ बन जाता है यानी पत्थर की तरह ठोस बन जाता है। गैसी हालत में दिखाई नहीं देता, वो हवा में मिल जाता है, फिर बादलों की शक्ल इख्तियार करके पानी की सूरत में ज़मीन पर बरसता है। इसी की वजह से ज़मीन पर तरी यानी ज़मीन पर नमी या गीलापन कायम रहता है, और इसी वजह से हमारी खेतियाँ हरी भरी रहती है और इंसान और हैवान भी पानी को पीकर ही ताज़ा दम और ज़िंदा रहते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब इस नज्म को हम तरन्नुम के साथ गाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरा खुल जाए तो फौरन हवा है। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। जो हल्का हो उसे सर पर उठाए, जो भारी हो उसे गोता खिलाए। लगे गर्मी तो उड़ जाए हवा पर, पड़े सर्दी तो बन जाता है पत्थर। हवा में मिल के गायब हो नजर से, कभी ऊपर से बादल बन के बरसे। इसी के दम से दुनिया में तरी है, इसी की चाह से खेती खरी है। इसी को पी के जीते हैं सब इंसान, इसी से ताजा दम होते हैं हैवान। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की नज़्म ज़रूर पसंद आई होगी।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।